नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में, जब हमको इंजरी हो जाती है या हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, तो उस मेडिसिन को लेने से हमारी स्वेलिंग कम हो जाती है और हमको दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, मेडिसिन का नाम है अर्निका मोंटेना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर ब्लर हो जाएगी तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा, आप सभी के लिए फोटो में यहाँ पे लगा दूंगा। दोस्तों, अर्निका मोंटेना ना सिर्फ इंजरी में काम आती है या स्वेलिंग में काम आती है, बल्कि जिन पेशेंट्स को गठिया हो जाती है, जिनको रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ये मेडिसिन अर्निका मोंटेना उन पेशेंट्स को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर करती है और उनको जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उनमें आराम पहुँचाती है। हम लोग दोस्तों आते हैं ऑफिस से, काम करके आते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो जब ऑफिस की जो थकान है या जो पेन हो रहा है, उसको हम सही करने के लिए इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन बिना होम्योपैथ फिजिशियन के राय के बिना या उनसे कंसल्ट करे बिना आप कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। उसका कारण है कि एक छोटे से सिम्टम के वजह से मेडिसिन का जो चुनाव होता है या जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन गलत हो जाती है। अगर आपका कोई अदर सिम्टम, एक छोटा सा ही भले वो सिम्टम हो, और वो अगर आप में अपीयर हो रहा है, तो वहीं पर आपकी मेडिसिन चेंज हो जाती है। बात करते हैं कि आपको मेडिसिन लेनी कैसे है। आप किसी भी होम्योपैथ की शॉप में जाके अर्निका मोंटेना की 30 ml की फाइल आप ले लीजिएगा। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, SBL के ले सकते हैं, डॉक्टर एक्वेक की ले सकते हैं या श्वाबे के ले सकते हैं। मैं जनरली SBL की यूज़ करता हूँ। ये मेडिसिन दोस्तों आपको दिन में 4 बार लेनी रहती है, सुबह, दोपहर, शाम, रात में। 2 बूंद डायरेक्टली आप टंग पे ले सकते हैं या इसको आप गुनगुने पानी में, 1 कप गुनगुने पानी में 2 बूंद डाल दीजिए और पी जाइए। दोस्तों, गुनगुने पानी में डालने से ये मेडिसिन आपको और भी ज़्यादा अच्छी असर करेगी। इस मेडिसिन को लेने के बाद में दोस्तों, ये जो मेडिसिन है, आपके शरीर में जो रक्त संचार होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है, जिससे कि आपको बहुत जल्द आराम मिल जाता है। इस मेडिसिन को दोस्तों आपको 6 से 7 दिन लेना है। जैसे जैसे आपको आराम मिलेगा, आप इसको फर्दर 10 से 15 दिन के लिए कंटिन्यू रखिए, उसके बाद में इस मेडिसिन को वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।